लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये कोई वक्त आने का? आइसक्रीम खाओ। कहाँ रह गए थे अब तक? अरे तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनवा रहा था। आइसक्रीम क्या अमेरिका से लाने गए थे? नहीं नहीं, वो क्या है कि इस पर जो चेरी है ना वो कश्मीर की है, इसमें जो बादाम पेस्ते हैं काबुल के, काजू गोवा का है, महाराष्ट्र का शक्कर है, अब पंजाब का दूध है। अब इन सब चीजों को इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देखो इस पर तुम्हारा नाम भी लिखवाया है, रूबी। हाँ। अरे 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 कहाँ जा रही हो? अरे आइसक्रीम पिघल जाएगी, मजा नहीं आएगा फिर। अरे गिरा दिया ना, ये क्या बदतमीजी रूबी। बहुत होशियार बनता है, इधर के उधर करता है, मारो साले को। अरे क्या तकलीफ है आप लोगों को भाई? अरे बाप रे, एक कपल को इतने सारे गुंडे मार रहे हैं, चल कर मदद करनी चाहिए इनकी। समझती नहीं हो, मैं लेट इसलिए क्योंकि एक काम करो, हम लंच खा ले करते हैं। अरे मिस्टर, हमारे लंच का क्या होगा? अरे हाँ, तुम्हारा लंच तो बर्बाद हो गया। एक काम करो, तुम सब हमारे साथ लंच में चलो। अरे मुझे क्यों मार रहा है? हाय। अरे आओ रूबिया। अच्छा तुम आ गई मैम। अरे वाह, आज तो तुमने रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया, वक्त से पहले तैयार हो गए। लेकिन ये सब क्या है? बंबई टेलीफोन किया तो मैनेजर ने बताया कि मम्मी डैडी दोनों सिंगापुर गए हुए। मेरी बहन के फादर इन लॉ को दिल का दौरा पड़ा, इसलिए जाना पड़ा। 1:30 बजे की फ्लाइट से मैं बंबई जा रहा हूँ, इसलिए कि वहां ऑफिस में कोई काम देखने वाला है नहीं। रूबी, अरे ये क्या रूबी, कम ऑन, चीयर अप। तू भी जाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन आई हैव टू। ठहरो 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 ठहरो, कितना खूबसूरत मोती है ये, सूरज की किरणें फूट रही हैं इसमें से। इसे मैं अपनी मुट्ठी में बंद करके ले जाऊंगा और जब भी मुझे रूबी की याद आएगी तो मैं विशाल, मैं तेरे भूल ही गई थी कि तुम्हें एक दिन वापस भी जाना। अरे बदली गई, साल भर की तो बात है, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फिर तुम भी बंबई में, मैं भी बंबई में, फिर हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। तो फिर मेरी एक बात मानोगे? ऑफ कोर्स, हुक्म करो। अभी चलो मेरे साथ चरारे शरीफ। चरारे शरीफ क्यों? वहां सलमा ने अपने फारूक के लिए मन्नत मांगी थी। हाँ, फिर आपकी सहेली सलमा और फारूक साहब की शादी हो गई थी। अरे वाह, हम फौरन चलेंगे।
प्लीज ऑपरेटर, मैं अमेरिका या यूरोप कॉल नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने श्रीनगर कॉल मांग रहा हूं। तीन दिन से आप लगा के नहीं दे रहे मेरा कॉल। माय टिकट नंबर इज वी फॉर विक्ट्री 320। खराब तीन दिन से। हेलो हेलो, सारी दुनिया में फोन मिल जाते, बस हमारे मुल्क में नहीं मिलते। ये तो हालत है हमारे टेलीफोन। हेलो हेलो विशाल, मैं रूबी बोल रही हूँ। रूबी, हाँ रूबी, मैं विशाल हूँ। हाँ कैसी हो तुम? अरे मैं तीन दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लाइन ही नहीं लगती श्रीनगर। विशाल जरा धीरे बोलो। मैं पागल हो गया हूँ, मैं क्या करूँ? रूबी आई लव यू, आई एम मिसिंग यू। तुम? मैं बॉम्बे से ही बात कर रही हूँ। तुम बॉम्बे से? अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? मिलोगे तो बताऊंगी। रूबी ये जो कुछ भी हुआ ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो रंजीत सिंह को एक शुक्रिया का टेलीग्राम भेजने वाला हूँ। अगर वो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं करवाते तो हमारी मुलाकात कैसे होती? साल भर के तुम कश्मीर में तड़पती और मैं यहाँ बम्बई में। यही ख्याल जब मुझे ट्रेन में आया ना तो मैं रोते रोते हंस पड़ी। बुजुर्ग ने सही कहा है, ऊपर वाला जो करता है भले के लिए करता है। ये तो मुझे कहाँ ले आए? ये मेरा गरीब खाना है, मुझे मैनेजर से दो मिनट का काम है, फिर चलते हैं। कम, लेट्स गो इनसाइड। ए रूबी आओ ना, कम ऑन इन। दो मिनट का काम है फिर निकल पड़ेंगे जहाँ जाना। आ गुड आफ्टरनून मिस्टर खांडेवाल, आई एम सॉरी आई एम लिटिल लेट। जी कोई बात। यस सर, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर ये कुछ चेक साइन कराने हैं। काय की चेक चाहिए? 6,30,000 इनकम टैक्स का अदा करना है, 11,55,000 कस्टम्स में जमा कराने हैं। कस्टम डिपॉजिट? जी हाँ, वो ठाकुर साहब ने जो कंप्यूटर्स मंगाए थे वो आ गए। अच्छा ये बताइए, वो कुरला वाली जमीन का क्या हुआ? वो मालिक देने को तैयार है लेकिन उसका 80 लाख मांगते हैं। ठीक है 80 लाख इस ओके, ज्यादा महंगी नहीं है जी। आप नेगोशिएट कीजिए और फाइनल कीजिए। ओके थैंक यू। थैंक यू, मैं तो फ्रेश होके आता हूँ। टू मिनट्स, कुछ भी होगी? नहीं बस भैया। पैर छू लो, ये मेरे मम्मी डैडी हैं। चले कम। विशाल, मैंने सिंगापुर से रंजीत सिंह जी को कश्मीर में फोन किया था तुम्हारी खैरियत पता करने के लिए। जी तुम्हारी हरकतों के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। रंजीत और उसकी बेटी के साथ तुमने जो सलूक किया है उसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। डैडी आपने सिर्फ उन्हीं की बातें सुनी हैं। विशाल, हमने हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा समझते रहे हैं, अपनी जान से भी बढ़कर समझा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोई भी गलत हरकत बर्दाश्त कर ले। खानदान की इज्जत भी कोई चीज होती है, जात पात के बारे में सोचना पड़ता है, रिश्ते नाते हमेशा बिरादरी और अपने बराबर के लोगों से जोड़े जाते हैं। हेलो विशाल। हाय रूबी, हाय। कल क्यों नहीं आए? मम्मी डैडी को छोड़ के कैसे आता, वो इतने दिनों के बाद मिले हैं। मेरे बारे में बात की? मौका नहीं मिला, लेकिन डोंट वरी, मैं बहुत जल्द बात कर लूंगा। अच्छा सुनो,
कल मिसेस जरीवाला का कश्मीर से लेटर आया था, बताया उन्होंने क्या पूछा? क्या पूछा? कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं, वो आना चाहती है। भाई जब होगी हम उन्हें खबर कर देंगे, फिलहाल तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ते हुए ऑफिस चला जाऊंगा। ओके ओके बाय बाय। मैंने सिंगापुर ट्रंक का क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। शारदा हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या हुआ? मैंने अभी अभी विशाल को फोन पर बातें करते सुना है, वो ठाकुर रंजीत सिंह की नौकरानी तो बहुत चालाक निकली, विशाल का पीछा करते हुए कश्मीर से बंबई तक पहुंच गई है, और एक करोड़पति का बेटा हाथ से नहीं निकल जाए उस पर शादी का जाल फेंक रही है। हे भगवान, अब क्या होगा? होगा क्या, विशाल की शादी कहीं ना कहीं फौरन करनी होगी। आज तुमने एक मुद्दत के बाद 10 करोड़ की बात कही है, तो तुम भी 20 करोड़ की बात कह दो। बोलो शादी कब तय करते हो? पहले लड़का लड़की एक दूसरे को तो देख लें। हाँ भाई बात तो ठीक है, देखो नेक्स्ट सैटरडे मैं एक पार्टी देने वाला हूँ, ऑल इंडिया एजेंट्स आने वाले हैं, तुम भाभी और मंजू को लेकर उस पार्टी पे आ जाओ, विशाल भी होगा, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे और फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालकर शादी तय कर देंगे। डन डन। कमाल मेरा विशाल। ये सारे मिस्टर एंड मिसेस कपूर। हेलो विशाल, नमस्कार। और ये है उनकी बेटी मंजू। हेलो। आप लोग कुछ पी नहीं रहे, क्या पीएंगे आप लोग? स्कॉच विस्की पीकर हम तो जवां हुए हैं, बोतल में खो चुका है नामो निशा हमारा। आप क्या पीएंगे? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, इन्हें सिर्फ डांस करने का शौक है। रियली? सिर्फ डांस। वी गॉट सम गुड म्यूजिक। वेटर इधर लो। बोलिए साहब पानी के साथ या? ईट, चीयर्स। आपके डैडी बहुत जिंदा दिल इंसान है। डैडी की तो फिलॉसफी है कि जब तक जिंदगी है खाओ पियो ऐश करो। वेरी गुड, आपकी फिलॉसफी क्या है? जैसा बाप वैसी बेटी, लेकिन आप भी अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं मैं अपनी जिंदगी में प्यार को बहुत अहमियत देता हूँ। प्यार में जीना, प्यार में मरना, बस प्यार ही करते रहना। वंडरफुल, क्या बात है, आपके साथ जिंदगी बड़े मजे में गुजरेगी। क्या मतलब? डैडी ने ठीक ही कहा था, आपकी और मेरी जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। आइए प्लीज। थैंक यू। एक मिनट माँ, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? क्या हुआ? कह रही उसकी मेरी जोड़ी अच्छी रहेगी। उसे तुम्हारी शादी तय है, ये तुम्हारे डैडी का फैसला है। उसे पूछे बगैर? विशाल, हमारे खानदान में शादी ब्याह का फैसला सिर्फ बड़े करते हैं, तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से होगी, जहां हम चाहेंगे वहां होगी। शारदा, मिसेस कपूर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। विशाल बाबू, नीचे आपका फोन आया। हेलो हेलो। क्या बात है भाई, बहुत गुस्से में बोल रहे हो, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं रूबी, वो नहीं। बड़े अच्छे वक्त पे फोन किया तुमने रूबी, आज बहुत अच्छा मौका है, मैं आज ही तुम्हें अपने मम्मी और डैडी से मिलाना चाहता हूँ, फौरन चले आओ। लेकिन कम से कम आधा घंटा लगेगा, चेंज भी तो करना है। बिल्कुल नहीं, तुम जिस हाल में हो वैसे चली जाओ, राइट अवे, अंडरस्टैंड? मैं इंतजार कर रहा हूँ। हेलो मिस्टर विशाल, हाउ आर यू? वेरी वेल, प्लीज। अभी इतनी देर लगा दी तुमने, क्या बात है? हाँ, विशाल मेरी बात सुनो। ये काम है विशाल, मैं आओ मेरे साथ। माँ ये है रूबी, रूबी मिरांडा। मैं डैडी को लेके आता हूँ, एक्सक्यूज मी। Oh,
शारदा, मैं काफी देर से विशाल को खोज रहा हूँ, कहाँ? शारदा? हाँ जी। कौन है ये? ये रूबी है, विशाल इसे कश्मीर में मिला था। बहुत बहुत मुबारक हो सिंह साहब, आपके मिलों में एक और मिल का इजाफा होने वाला है। मतलब? मतलब मेरा कपूर साहब से है, उनकी बेटी से आपके बेटे की शादी की बात चल रही है ना। चल क्या रही है चोपड़ा साहब, अगले महीने तो शादी भी होने वाली है। कंग्रेचुलेशन। वेटर, तुमने सुना नहीं और फिर भी यहीं खड़ी हो? रिश्ता बराबर वालों से होता है, झोपड़े में रहकर मैलों के ख्वाब नहीं देखा करते।